महिलाओं में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तथा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था शी इंस्पायर इंडिया ने रविवार को इंदौर में एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया है, जिसमें विशेषज्ञों ने महिलाओं को बेहतर पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने तथा सहभागिता करते हुए बड़े उद्यम स्थापित करने के तरीके सिखाए हैं। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी शहर की 80 से ज्यादा युवतियों ने हिस्सा लिया है, जो अब खुद वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ खुद से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करेगी और उनकी मदद करेगी। संस्था श्री इंस्पायर इंडिया की फाउंडर शीतल बड़ोली बताती है कि कई बार अच्छे आइडिया होने के बावजूद महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय तक ही सीमित रह जाती है और अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय को ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाती। इसी गैप को कम करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए इस विशेष सत्र का आयोजन किया था। हेलो, मेरा नाम शीतल बड़ोले है और मैं फाउंडर हूँ शी इंस्पायर्स इंडिया की। आज का जो हमने इवेंट रखा वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एंटरप्रेन्योरशिप औरतों में बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पर रखा गया था। और मैंने अक्सर ये देखा है कि महिलाएं छोटा मोटा बिज़नेस करने तक ही सीमित रहती है, वो बहुत अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी अपने बिज़नेस को स्केल अप नहीं कर पाती है। इस गैप को हम कैसे भर सकते हैं, किस तरह से हम औरतों की मदद कर सकते हैं, इसके लिए ही हमने ये सेशन रखा है। इस सेशन में टोटल 80 से ज़्यादा महिलाओं ने भागीदारी की और सभी एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। मेरा नाम शीतल बड़ोले है। स्पीकर्स, हाँ, इस इवेंट में हमारे पास दो गेस्ट स्पीकर्स थे, प्रशांत कुलकर्णी जो कि स्टार्टअप एक्सपर्ट हैं और भाविका गनात्रा जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। यहाँ आई युवतियों ने भी कहा है कि उन्हें इस इवेंट से कई प्रकार की नई जानकारियाँ हासिल हुई है। पहले उनके मन में वित्तीय आत्मनिर्भरता को लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन अब उन्हें नई दिशा मिली है, अब वे अपना खुद का उद्यम शुरू करेगी। हाय, माई सेल्फ काजल माटा, आई एम इंटरनेशनल लाइसेंस फिटनेस ट्रेनर एंड डीवा मिसेस इंडिया 2021। सो आज जो ये सेशन रखा था शी इंस्पायर्स और बाय शीतल बड़ोल मैम ने, कि वुमन्स के लिए क्या एम्पावरमेंट है और कैसे फाइनेंशियल वो अपना आगे फ्यूचर को एनहेंस कर सकती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा सेशन ये लगा और मैं इससे बहुत कुछ लर्न किया है। मैंने बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं सेशन से। मेरे मन में काफ़ी डाउट्स थे रिगार्डिंग फाइनेंशियल, जो मेरे आज डाउट्स भी क्लियर हुए, और इन फ्यूचर मैं चाहूँगी कि और भी ऐसे सेशंस ले ताकि एक वूमन की ग्रोथ हो, और बहुत ही मैं मोटिवेट हुई उन सेशन से। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शी इंस्पायर एंड शीतल बड़ोली मैम फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस फाइनेंशियल सेशन। थैंक यू। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आम महिला है वो भी, उनको डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहे, इंडिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए फाइनेंशियल का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर नहीं बता के आएगा। इसलिए बेटर है आप कुछ ना कुछ करें, आपका जो भी टैलेंट है आगे कुछ ऐसा कुछ करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या अपने ऊपर या कुछ भी ऐसा सेव करें, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए ही बहुत काम आएगा, क्योंकि आए हैं अकेले, आ जाएंगे अकेले, सो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाय, दिस इज़ नीतू अग्रवाल, डायरेक्टर एक्सप्रेशन लाइफ स्टाइल एग्जिबिशन, और आज हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं शी इंस्पायर में, जो कि ऑर्गेनाइज किया है इवेंट शीतल बड़ोले एंड टीम ने, और काफ़ी अच्छा सेशन है यहाँ पर जो आज हमने अटेंड किया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो हर वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि अगर आप खुद अर्न करते हैं सो आपको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है, और आप अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और यहाँ पर एक सेशन भी था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, सो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो बहुत अच्छा सेशन था और काफ़ी सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से हमारा मिलना हुआ यहाँ पर, और जो सभी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा आज की डेट में कर रहे हैं। सो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा शी इंस्पायर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जहाँ पर सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक साथ गेट टुगेदर उनका था, और काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिला हमको इसमें। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं सर डॉक्टर सुमलता सोनी, आई एम मिसेज इंडिया 2016, विनर ऑफ मिसेज ब्यूटीफुल आईज, एंड ऑल्सो आई एम डॉक्टर डिप्टी डायरेक्टर इन गवर्नमेंट सर्विसेज, वेटनरी सर्विसेज स्पेशली, एंड
मुझे आज शी इंस्पायर इंडिया के सेशन में आके बहुत ही मोटिवेशन मिला और जो मेरी लाइफ की एक रिक्वायरमेंट थी, मुझे गाइडेंस चाहिए था बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट जॉब, तो मैं फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हूँ एंड आई हैव एवरीथिंग. स्टिल माय सोल इज़ क्रेविंग फॉर समथिंग आई वांट टू डू, लाइक मेरा फैमिली बिजनेस गोल्ड एंड डायमंड का है, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसी लाइन में कुछ करूँ. एंड मुझे यहाँ से शी इंस्पायर इंडिया में आने से मोटिवेशन मिला कि हाँ, मैं कुछ साइड बाय साइड कर सकती हूँ जो मुझे मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा पैशन है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का, डायमंड्स डिज़ाइनिंग का जो भी है, तो वो मैं कर पाऊँ. तो मुझे यहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिला, गाइडेंस मिला एंड नाउ आई विल प्रोसीड फॉर दिस एंड सर्टेनली आई विल स्टार्ट माय साइड बिजनेस फॉर ज्वेलरी एंड थैंक्स शीतल बडोले फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच. नमस्कार सभी को. और मेरा नाम अंकिता हेमनानी है और मैं इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेशलिस्ट हूँ. मुझे यहाँ पे इनवाइट किया शीतल बडोले ने और शी इंस्पायर्स की टीम में. और यहाँ पे जब मैं आई तो एक विजन था कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेशली वीमेन के लिए यहाँ बोला जाएगा और फीमेल इंडिपेंडेंस की बात होगी. तो वो सारी चीज़ें यहाँ मुझे देखने के लिए मिली, क्योंकि आज जो ज़रूरत है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वीमेन और साथ ही साथ एक एंटरप्राइजिंग वीमेन का पूरा कोहोर्ट डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ सशक्त हो, इन दोनों मामले में बिज़नेस कर पाएँ, बिज़नेस को स्केल अप कर पाएँ. इंडिया की जो हम जो सोच रहे हैं कि 2047 में पांचवे से दूसरे पायदान पे आ जाएगा भारत इकनॉमी में, तो वो महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है. तो हमको एम्पावर्ड वुमेन चाहिए और आज के फोरम में हमें ये सब मिला, ये सारी जानकारियाँ मिली और ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छी थी और स्पीकर्स आए और उन्होंने अपना योगदान दिया. और हम जो यहाँ सुपर 60 वुमेन आई हैं इंदौर की, 9 लाख में से उन्होंने जो 60 महिलाओं को सिलेक्ट किया, और तो आई थिंक ये नॉलेज शेयरिंग अब हम फैलाएंगे और हम इनके एम्बेसडर बनके ये चीज़ करेंगे. सो धन्यवाद. मेरा नाम है प्रशांत कुलकर्णी और मैं यहाँ पे मुख्य स्पीकर के रूप में आया था. मैं मेरी जर्नी शेयर करने के बारे में आया था, जूपर प्रशांत मैं कैसे बना हूँ और कैसे मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चेयर लीडर बन सकूँ, इस मूल भावना के साथ आया था. मुझे ऐसा लगता है कि आसान होना बहुत सबसे मुश्किल काम है और आज का जो सेशन था ये डेडिकेटेड ही था कि कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान किया जा सकता है. जब हम एंटरप्रेन्योरशिप जैसे भारी भरकम शब्द की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ज़िंदगी के साथ साथ बिज़नेस को समझने की जो कला है उसको अगर आसान करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस हम लोग बहुत ही आसानी से बना पाएंगे. शी इंस्पायर्स का बहुत ही बेस लाइन यही था कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ इस मुहिम के साथ जुड़ें और अपने लाइफ को सरलता के साथ बिज़नेस बिल्ड कर सकें. थैंक यू.